हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बस ये मैं अभी नहा करके छत पे आई हूँ और ये जो आज का ब्लॉग है वो आपको मिलेगा 2nd को, क्योंकि आज तो दूसरा ब्लॉग आएगा कल वाला, जो कि अभी मैं एडिट करूँगी, उसके बाद सेव करूँगी, उसके बाद अपलोड करूँगी। अभी तक मैं बस नहा के आई हूँ और टाइम हो रहा है 10:30 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा क्यों ना अपनी वीडियो स्टार्ट कर ली जाए, आप सभी को न्यू ईयर विश किया जाए। और ये देखिए धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है यहाँ पे, उम्मीद नहीं थी कि आज निकल जाएगी मगर निकल रही है। हैं और आप लोग सब बताइए कैसे हैं। और बस मैंने कहा आप लोगों को विश कर दिया जाए। और बस मैं नाश्ता वाश्ता कर चुकी हूँ, हेयर वॉश किए थे, बाल देखिए झड़ झड़ के एकदम पतले दुबले से हो गए। आप लोग सब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और हमारा पता नहीं अभी कि कैसे क्या करेंगे, बाकी अभी सुबह नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं, रात में देखते हैं शायद बाहर जाएंगे, जाएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। और बस इसी तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए कहीं घूमने जाना होता है तो वो बात अलग है। और बाकी देखिए इस बार अभी कोरोना के चक्कर में कहीं जाएंगे आएंगे तो नहीं ज़्यादा, बस ये है कि यहीं लोकल में मतलब पास में ही जा कर के खाना वाना बाज़ार से खा लेंगे या जो भी जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। इसी तरह से भैया हम तो सेलिब्रेट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि काम चल रहा है इसलिए, है ना। और आप लोग सब इन्जॉय कीजिएगा, आई होप ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा आए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सभी के लिए, सभी के लिए अच्छा आना चाहिए। सबके जो भी प्रॉब्लम्स हों वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से और इस बीमारी से भी निजात मिल जाए सभी को, है ना, यही प्रे रहेगी। और आप लोग भी प्रे कीजिएगा क्योंकि देखिए प्रार्थना में बहुत ताकत होती है ना। मेरी तो भाई सोच यही है कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इंसान या कोई भी कुछ नहीं कर सकता लेकिन हाँ प्रार्थना बहुत कुछ करवा सकती है, ठीक है। और बाकी तो सब इंसान के कर्म पर जो है डिपेंड करता है ना। तो बस वीडियो की मैंने स्टार्टिंग कर ली है, देखते हैं आज पूरे दिन में क्या शूट कर पाती हूँ। सुबह नाश्ते की सोच रही थी बट नहीं कर पाई क्योंकि ठंड में ना एकदम अर्ली मॉर्निंग में नहीं हो पाता है। अच्छा मेरे वहाँ तो मैं 10:30 बजे तो मैं मतलब 9:30 बजे तक 9:30 बजे तक तो मैं सो के ही उठती हूँ, यहाँ पर जल्दी उठना हो जाता है, यही होता है ना अकेले में तो करना भी क्या होता अकेले में, इसलिए आराम से कर लेती हूँ। यहाँ पर ये है कि सब लोग होते हैं तो ऑटोमेटिक ही आँख जो है वो खुल जाती है। और बस अभी मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी और अपनी वीडियो को अपलोड करूँगी क्योंकि अभी एडिटिंग करनी है, ठीक है, एडिटिंग करूँगी। यहाँ पे आके कल मैंने ना चिक्की बनाई थी जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी आज की वीडियो में, आज की मतलब कि जो आज आएगी वीडियो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। देखिएगा उस तरह से बनाइएगा, दो तरह से बनती है, ठीक है, जो दूसरा तरीका रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अभी बस बालों में हाथ जा रहा है क्योंकि अभी हेयर वॉश करके आई हूँ तो ऐसे ऐसे करके थोड़े बाल जल्दी सूख जाते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, है ना, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ देखिए मैं ना गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, मैं बड़े चूल्हे पर बनाऊँगी जो हलवाइयों वाला होता है ना उस पर। यहाँ बस मैंने गाजर साफ़ करके उसको घिस लिया था। यहाँ देखिए बस मैंने ये चूल्हा रख लिया है, इस पर कढ़ाई रख दी है और सबसे पहले मैंने इसमें करी है मलाई ऐड। मलाई चाहें तो मलाई ऐड कर सकते हैं और घी चाहें तो पहले घी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने मलाई इसलिए ऐड करी क्योंकि इसमें फिर एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मलाई में ऑलरेडी घी होता ही है, है ना, तो इसलिए सबसे पहले मलाई डाली है। मलाई मैं दो बार डालूंगी, पहले एक बार शुरू में डाली है, फिर जब बनने के तैयार हो जाएगा ना तब ऊपर से डालूंगी और फिर चला के लास्ट में, उससे क्या घी बहुत अच्छे से उसमें आ जाता है। और इसमें मैं अच्छे से ये देखिए गाजर ऐड कर दी है, इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी, पहले खूब अच्छे से मलाई में इसको भूना जाएगा, ठीक है। अगर आप घी डालें तो उसमें घी में भून सकते हैं, बहुत ही अच्छा हलवा बन के तैयार होता है, देख सकते हैं आप लोग मैंने किस तरह से बनाया है। यहाँ मेरी गाजर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी देर हो चुकी देखे बनते हुए,
और बस यहाँ पर मैं अपनी चाय पी रही हूँ साथ ही साथ में। शाम का इवनिंग का टाइम है, लगभग 4-4:30 का होगा, हाँ 4 बजे, 4-5 बजे के बीच का ही टाइम है कुछ। भैया देखिए, हमने तो न्यू ईयर वाले दिन तो इसी तरह से सेलिब्रेट किया था, घर में गाजर का हलवा बनाया था, है ना, सुबह नाश्ता स्पेशल बना लिया था, और जो है फिर नाइट में जो था खाना खाने बाहर चले गए थे, क्योंकि उस दिन था सैटरडे और काम था, तो फिर पहले काम किया था और रात में हम वहाँ चले गए थे, फिर हमने संडे को सेलिब्रेट किया। और इस चक्कर में मैंने ना आपके साथ संडे वाले दिन वीडियो भी शेयर नहीं की, मैं उस दिन टाइम ही नहीं मिला। उस दिन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या किया था, ठीक है। ऐसा बहुत वैसे तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया था, बट कुछ डिफरेंट और शौक, मतलब जैसे कि मुझे है कुकिंग का, तो वही सब था, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ बस देखिए, और इसलिए देखिए यहाँ मैंने ना दूध ऐड कर दिया है, ये 2-3 किलो दूध था, 2 किलो गाजर में, ठीक है। और काफ़ी अच्छा हलवा बन के रेडी हुआ था, और इसलिए इस पर बनाया था कि गैस पे, नॉर्मल घर की गैस पे बनाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, है ना, और इतनी बड़ी कढ़ाई भी मतलब नॉर्मली घर में नहीं होती है, तो ये वाली जो कढ़ाई होती है वो गैस पे नहीं आती है, इसलिए चूल्हे पर रख के बनाया था। और ये बस चूल्हे पे तो आधे घंटे में तैयार हो गया था, और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल मार्केट जैसा, आप आगे देखेंगे, ठीक है। इसको बस यही है कि अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो तेज़ आँच होती है ना तो काफ़ी जल्दी लग जाता है। ये देखिए चलाते हुए मैंने इसे बनाया है, अब बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया था। इस चूल्हे की जो लो रहती है ना वो काफ़ी हाई होती है, तो उस पर जल्दी बन जाता है, गैस तो गैस होती है, वो तो नॉर्मल खाने के लिए होती है, इसलिए देख लीजिए। ये देखिए हलवा बनके बस रेडी होने वाला था, और ये मैंने ना इलायची जो होती है ना उसको पीस के वो डाली है। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हलवे में, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो बाद में ऐड करेंगे, वो अभी इसमें से बनने के बाद इसमें से निकाल देंगे, वो तो आप बाद में कभी भी ऐड कर सकते हैं, या जब खाएँ तभी ऊपर से डाल लें, उसका कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा बना था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और देखिए भाई, मैंने तो जो किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये डिफरेंट तरीका हो गया होगा शायद, है ना। और देखिए वैसे जिस तरह से मतलब उस तरह से ना, मतलब एक माहौल नहीं बन पा रहा था उस दिन, पता नहीं क्यों, क्योंकि काम करते में नहीं हो पाता, और साल का नया दिन, मतलब साल का पहला दिन था तो काम तो ज़रूरी था ना, उसी दिन अगर छुट्टी रखेंगे तो फिर पूरे साल ही छुट्टी हो जाएगी, इसलिए वह सैटरडे था, काम खोलना भी ज़रूरी था, इसलिए उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। जो भी किया था आप लोगों के साथ शेयर किया है, थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा मेरा तरीका न्यू ईयर मनाने का। मुझे तो भाई इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक़ लगता है ऐसे सब कुछ करने में, नॉर्मल खाना कढ़ाई और वो गैस वगैरह पर बनाने में वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो बनाती ही हैं, बट इस तरह से हलवाई स्टाइल में ना, वो उसका बहुत अलग ही मतलब मज़ा आता है,
करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है बनाने में। ये देखिए हमारे हलवे का फाइनल लुक कैसा लग रहा है। और बस इसमें ना ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, वो मैंने बाद में ऐड किए थे इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। वही हम नाइट में गए थे, बताया था मैंने कि बाहर खाना खा लेंगे, तो बस वहीं गए थे। तो बस हल्की सी छोटी सी क्लिप ले ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है न्यू ईयर वाले दिन, सभी को पता है मैं कंफर्टेबल नहीं होती भाई, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, बाकी कुछ भी नहीं शूट किया था। जो भी लिया था आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।